एक ऐसा टाइम जहाँ सबसे बड़ी मुसीबत होमवर्क और उससे भी बड़ी मुसीबत कि होमवर्क नहीं किया तो मम्मी खेलने नहीं जाने देगी। भोली सी शक्ल बनाओ और मम्मी पापा से कुछ भी मांग लो और ना मिले तो गंगा जमुना बहा दो। उनका थोड़ा सा प्यार और लगता कि दुनिया की बेस्ट फैमिली है मेरी, लेकिन उनकी छोटी सी डांट और वो बन जाते मेरे दुश्मन नंबर वन। अब लगता है कितनी अच्छी लाइफ थी उस वक्त, खाओ पियो खेलो और पढ़ाई करो। पर सच बताऊं ये भी तभी टफ ही लगता था। टाइम बदला और टाइम के साथ बदले हम, लेकिन जो चीजें नहीं बदली पॉसिबल है। और दूसरा कलर ना सही, लेकिन ग्रीन के शेड्स तो बना ही सकते हैं। कभी व्हाइट ऐड किया तो कभी ब्लैक और मिल गए मुझे ढेर सारे कलर्स। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बन क्या रहा है, तो यार मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जिसे देख के आंखों को सुकून मिल जाए। वैसे एक फन फैक्ट, ग्रीन एक सूदिंग और पीसफुल कलर है और इसीलिए मोस्टली हॉस्पिटल के कर्टेंस का कलर भी आपको ग्रीन मिलेगा। और आई होप कि मेरी इस पेंटिंग को देखी होंगी। पर क्या इन हवा हवाई ब्रशेस को कभी देखा है? इन ब्रशेस की हेल्प से मुश्किल दिखने वाले झाड़ पत्ते आराम से बन जाते हैं। और यही नहीं, इन्हें यूज करके कोकोनट ट्री, पाइन ट्री जैसे अलग अलग ट्रीज भी बना सकते हो, वो भी मिनटों में। नंबर टू, इनमें अलग अलग कलर्स लोड करके अगर वर्टिकली यूज किया तो मिलेंगे रंग बिरंगे वाइल्ड फ्लावर्स, और अगर हॉरिजॉन्टली यूज किया तो मिलेगा फूलों का बगीचा। नंबर थ्री, और जब बात हो नेचर की तो हम वाटरफॉल शांत राहत के लिए जब रात को छत पे सोने का सोचते तो सबसे पहले करना पड़ता छत को ठंडा, और इसमें लगाया जाता हम बच्चों को। कड़ी मेहनत के बाद जब छत सोने लायक हो जाती तब खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए मैं तो ये सोचा करती थी कि तारे कितनी दूर हैं, क्या मैं इन तक सीढ़ी लगा के कभी पहुंच पाऊंगी। कभी उनको गिनती तो कभी ये सोचती कि काश एक तारा मेरे पास आ जाए। और इन्हीं क्यूरोसिटी में दादी माँ से कहानियां सुनते सुनते कब नींद आ जाती पता भी नहीं चलता। स्पेशल है क्योंकि ये पेंटिंग मैंने तब बनाई थी जब मेरी इंस्टाग्राम फैमिली सिर्फ 2000 लोगों की ही थी। पोस्ट तो मैं साल भर से कर रही थी पर समहाउ लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बट इस आर्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये पहली ऐसी पेंटिंग थी जिसने मुझे रिकॉग्निशन दिलाया। इसे 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा और पसंद किया। वहाँ से शुरू हुई ग्रोथ के बाद आज हमारी फैमिली लाखों लोगों की हो गई है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है पैसा कमाना, तो किसी के लिए नाम कमाना। मेरे लिए सक्सेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी जिसमें मुझे नजर रखनी थी दो लोगों पे, और मैंने देखा कि कभी वो मस्ती कर रहे हैं तो कभी बिजी है पढ़ाई में, कभी बारिश में भीग रहे हैं तो कभी मजा ले रहे हैं सर्दी का, कभी घूमने निकले हैं तो कभी बैठे हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के। ये सारी चीजें देखने के बाद जासूसी की रिपोर्ट तो तैयार हो गई है, पर सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो सारी डिटेल्स आने वाले दिनों में बताऊंगी। लेकिन आज मैं इन दो लोगों से मिलवा